महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हिटलर जिसका नाम आज भी एक ऐसे तानाशाह के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसने अपनी मनमानी की, लाखों लोगों का कत्ल किया, जर्मनी का ये तानाशाह पर्यायवाची बन गया है, मनमानी करवाने का, तानाशाही करने का, अपनी अच्छी बुरी किसी भी प्रकार की बात को साम दाम दंड भेद से लागू करवाने के लिए। तो साथियों, क्या जन्म पत्रिका में कोई ऐसा योग होता है जिसको देख करके ये जाना जा सके कि आपका जो भावी जीवन साथी होगा, आपका जो होने वाला पति या होने वाली पत्नी, क्या वो एक हिटलर की भूमिका में होगी, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या वो एक तानाशाह की भूमिका में होगा या होगी। साथियों, आमतौर पर ऐसे बहुत से केसेस मेरे सामने नियमित रूप से आते हैं जिसमें किसी एक जीवन साथी ने उसके जीवन साथी अर्थात अपने ही पार्टनर का जीना दूभर कर दिया है। जीवन के छोटे से छोटे डिसीजन से लेकर के बड़े से बड़े डिसीजन तक वो सारे कार्यों में अपनी मनमानी अपने जीवन साथी पर थोपता है। जी हाँ साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंडली मिलान के एक ऐसे ही रहस्य को लेकर के, जब आप इस रहस्य से पर्दा स्वयं उठा सकते हैं। यदि आप अपने लिए वर या वधु की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद कारगर है आज का एपिसोड। और साथ ही यदि आप शादीशुदा भी हैं, तब भी यदि आपको ऐसा ही कोई हिटलर पति या हिटलर पत्नी मिल गई है तो आप उसको कैसे शांत कर सकते हैं, अर्थात जरूरत से ज्यादा मनमानी करने से रोक सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में सबसे पहले लिखें #आचार्यचंद्रकांत। यदि ये आप लिखते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है आपके प्रश्न का जवाब देना। और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद आसान प्रश्न हम इसी एपिसोड के अंत में पूछेंगे, उसका सही उत्तर भी साथ में आपको लिख करके जरूर भेजना है। तो साथियों, आइए जन्म पत्रिका के माध्यम से और एक उदाहरण के माध्यम से ये जाने कि कैसे पहचान करें हिटलर की। साथियों, ये आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। फिलहाल ये जन्म पत्रिका हमने जानबूझ करके खाली रखी है क्योंकि ये किसी भी लग्न किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है। यदि किसी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में जितने भी पाप ग्रह हैं, पाप ग्रह या क्रूर ग्रह किन्हें कहा गया है, राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, यदि ये सारे के सारे ग्रह केंद्र में ना होकर के, त्रिकोण में ना होकर के, इसके अन्य जितने भी घर हैं, यदि वहां पर हैं उपचय में, आपोक्लिप में, जैसे कि आप देखिए कि यदि धन भाव, पराक्रम, षष्ठ भाव, अष्टम भाव, लाभ भाव और द्वादश भाव, सारे के सारे पाप और क्रूर ग्रह केवल इन घरों में यदि विद्यमान है तो आप निश्चित जानिए कि ये व्यक्ति हद दर्जे का तानाशाह होगा, जरूर होगा। ये स्त्री भी हो सकता है, ये पुरुष भी हो सकता है। साथियों, एक ऐसी ही घटना जिसने मुझे इस एपिसोड को बनाने की प्रेरणा दी, वो 2018 में एक माता पिता अपनी कन्या की जन्म पत्रिका लेकर के आए। बेहद अच्छा घर उन्होंने ढूंढा, जो भी उनके पैरामीटर्स थे उसको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छा घर ढूंढा। 30 गुण भी मिल रहे थे, ना नाड़ी दोष आड़े आ रहा था, ना भकूट दोष आड़े आ रहा था, ना गण दोष आड़े आ रहा था, किसी भी प्रकार का दोष आड़े नहीं आ रहा था। कई ज्योतिषियों को उन्होंने जन्म पत्रिका मिलाई और लगभग सभी ने उनको हरी झंडी प्रदान कर दी।
लेकिन मेरे पास आए तब मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा चाहे सारे गुण मिल रहे हैं, 30 गुण मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो ग्रह मेलापक है वो यहां पर मिसिंग है। और यही जो उनका भावी दामाद उस समय होने वाला था उसके यही वाला योग था। परंतु चूंकि विनाश काल बिना विपरीत बुद्धि के नहीं आता, उन्होंने विवाह संपन्न कर दिया। 45 दिन बाद ही बिटिया उस घर को छोड़ करके, और बल्कि उन्हें बिना बताए बिना सूचित किए अपने मायके वापस आ गई। और अभी लगभग 45 दिन पहले उनको तलाक की डिक्री मिली है। लगभग 2 साल ये तलाक का केस चला। जब तक शादी नहीं हुई थी उससे पहले ही तानाशाही शुरू हो गई थी। इनको ये कहा गया कि शादी इस तरीके से हमें करनी चाहिए, शादी इस स्थान पर हम करेंगे, शादी में हमें ये चाहिए। मतलब शादी उन्होंने पूरी अपनी शर्तों पर की, अपनी सारी शर्तें थोपी जैसे कि एक तानाशाह करता है। खैर, शादी के बाद जो 45 दिन ये बिटिया जाकर के अपने ससुराल में रही थी, वहां पर भी उसको क्या पहनना है, कितनी बजे उठना है, क्या कार्य उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब हंसना चाहिए, कब रोना चाहिए, ये सब उसका पति कंट्रोल करता था। शायद यही कारण था कि वो उसको छोड़ करके आ गई। और इतना ही नहीं, शादी के बाद में जब बहस हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और तलाक की नौबत आई, तो तलाक भी इतनी आसानी से वो देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तो ठहरे हिटलर, तानाशाह। तो उन्होंने कहा कि जब तक आपका पूरा परिवार पूरे समाज के समक्ष सार्वजनिक रूप से हमसे माफी नहीं मांगेगा, तब तक हम तलाक का केस आपको परेशान करते रहेंगे, नहीं देंगे तलाक, और भी कुछ उन्होंने इस प्रकार की शर्तें रखी। तो हर स्थान पर अपनी शर्तें थोपना, तानाशाही का रवैया करना, ये ऐसे ही जातक जिसकी कि हमने आज चर्चा की, यदि ये स्थिति है तो आप ऐसे वर या ऐसे वधु से बचिए। और हाँ, कुंडली मिलान पर यदि आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, यहाँ जाकर के आप कुंडली मिलान से संबंधित सारे एपिसोड देख सकते हैं। और फिर मैं वापस, जो कि बार बार एक बात दोहराता हूं, कि गुण मिलान को कुंडली मिलान मत समझिए। किसी ज्योतिषी से ये मत पूछिए, क्योंकि इसका उत्तर तो कोई कंप्यूटर, कोई मोबाइल ऐप भी आपको दे सकता है कि कितने गुण मिल रहे हैं। फिर उस मशीन में और उस ज्योतिषी में अंतर ही क्या रह गया। यदि ज्योतिषी से आप मिलते हैं तो उससे ये पूछिए कि ग्रह हमारे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, भाव मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, संतान योग है या नहीं है, कभी तलाक की नौबत तो नहीं आएगी, ये सारा पूछना आपका भी कर्तव्य। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। यदि आपका भी विवाह किसी ऐसे स्त्री या पुरुष से हुआ है जिसके सारे के सारे पाप ग्रह इन स्थानों पर है जिसकी आज हमने चर्चा की, तो निश्चित तौर पर वो आपको गुलाम बना करके रखेगा, अपनी मनमानी आप पर थोपेगा। तो अब आप कर क्या सकते हैं ये बताइए। किसी भी सोमवार को यदि हो सके तो शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार है, आपके आसपास कोई शिव मंदिर, कोई शिवालय अवश्य ही होगा, उस दिन का आप चयन करें और एक बिल्व पत्र का पौधा उसके प्रांगण में आप स्थापित कीजिए। नियमित रूप से उसमें जल समर्पित करिए, उसको बड़ा करिए, और फिर जब वो बड़ा हो जाए, एक वृक्ष का रूप ले ले, तब भी नियमित रूप से उसी वृक्ष से आपको बिल्व पत्र तोड़ करके महादेव को समर्पित करना चाहिए और रोजाना जल अभिषेक करना चाहिए। निश्चित जानिए साथियों कि ये चमत्कारिक और बहुत ही आसान उपाय आपके उस हिटलर को बहुत हद तक एक शांत और एक ठहराव वाले व्यक्तित्व में बदलने में कारगर अवश्य होगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, और आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है रामचंद्र जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मयूरभंज ओडिशा से। रामचंद्र जी, आपने पूछा है कि क्या आप राज्य सिविल सेवा, स्टेट सिविल सर्विसेज या PCS जिसे कहें, उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। निश्चित रूप से आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग घटित हो रहा है। सप्तमेश आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य है, जो कि स्वयं केंद्र में आकर के विराजमान है।
थोड़ी सी तैयारी आपको अधिक करनी होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी जन्म पत्रिका देख करके कि जितनी तैयारी जितनी सीरियसनेस चाहिए उसमें आप थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं। साथ ही आपको इंतजार करना है जुलाई 2022 का, उसके बाद में आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कि किस प्रकार से एक जीवन साथी हिटलर में तब्दील हो सकता है। तो हिटलर जो है वो बेसिकली किस देश का रहने वाला था, किस देश का तानाशाह था। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें, कोरोना से बचे रहें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।